तो स्वागत है गाइस आपका आज के इस बेहतरीन से वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो गए। तो मैं बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से अपने टॉपिक को आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल समझ पाए कि आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। तो जो भी बेस लवर है वो अपनी कार में जरूर से एक सबवूफर इंस्टॉल करते हैं, चाहे कार पुरानी हो चाहे कार नई हो, कोई भी कार हो, वो बिल्कुल सबवूफर के बिना रह नहीं पाते। जैसे कि मेरा हो गया या और मेरे कई भी और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर सारे बीएस लवर है। अच्छा, तो बात आती है गाइस कि तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है उसमें से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% सब्सक्राइबर मेरे जैसे है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? जो कि अपनी कार में बिल्कुल ही बेस चाहते है, सबवूफर लगाना चाहते है, लेकिन वो बिल्कुल ही एक स्ट्रिक्ट बजट पे चल रहे। जैसे कि पूरा ऑडियो हमारा हो गया तो 25,000 में उसका पूरा ऑडियो आ जाना चाहिए, जिसमें सब ऑफर हो गया, एम्पलीफायर हो गया, डोर के स्पीकर हो गए, एक्स वाई जेड और ऑडियो एसेसरीज हो गई। अपने बजट में अपना ऑडियो अपग्रेड कर रहे हो तो आप अपने सब ऑफर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3,500 रुपये लगाओगे, उससे ज़्यादा आप अपने सब ऑफर पे खर्च करना नहीं चाहोगे। तो इतने बजट में गाइज हम कोई एक प्रीमियम सबवूफर परचेस नहीं कर सकते या कोई ब्रांडेड सबवूफर परचेस नहीं कर पाएंगे। नया प्रीमियम और ब्रांडेड से फिलहाल हमारा इस बजट कैटेगरी में तीन ही ब्रांड आती है और जो कि बहुत ही शानदार ब्रांड है। एक हो गई हमारी सोनी, एक हो गई हमारा JBL और एक हो गई हमारा ये पायोनियर। तो ये जो तीनों की प्राइस है गाइज वो हमारे बजट से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। मिनिमम इसकी स्टार्टिंग प्राइस 4,500-5,000 से शुरुआत होती है और हमें 3,000 तक का ही हमारा बजट है। और सिर्फ सबवूफर लेने से काम नहीं होता है गाइस, सबवूफर लेने के बाद आप उसका इनक्लोजर बनाओगे तो उसमें भी आपके 1,500-2,000 रुपये चले जाएंगे। तो उस हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा 3,500-3,000 रुपये ही डालेंगे अपने एक सबवूफर ऑप्शन आ जाते हैं। अब मैं बिल्कुल ही स्ट्रेट आपको बता देता हूँ वीडियो का मोटिव कि क्या आपको एक ब्रांडेड पुराना सबवूफर परचेस करना चाहिए या फिर आपको जो नॉन ब्रांडेड तो नहीं बोलेंगे लेकिन जो लोकल ब्रांड्स आती है उसका सबवूफर परचेस करना चाहिए बिल्कुल नया वाला। तो जैसे कि आप इधर देख पा रहे होगे ये पायोनियर का चैंपियन सीरीज सबवूफर है, तो ये पुराना परचेस किया हुआ है और ये एक नया ब्रांड न्यू सबवूफर है। तो ये दोनों ही हमारे बजट में आ जा रहे हैं, यानी कि या तो फिर आप इसे ले सकते हो इसे ले सकते हो। अब मैं बताऊंगा कि आपको किसे पसंद करना चाहिए और क्यों। तो ये देखिए ये भी हमारा पायोनियर का चैंपियन सीरीज 10 इंच DVC सबवूफर है और ये हमारा फ्रेडो का 10 इंच DVC सबवूफर है। ये जब लॉन्च हुआ था अभी तो ये फिलहाल मिलना बंद हो गया है 10 इंच में DVC चैंपियन सीरीज सबवूफर। जब मिल रहा था तो इसकी जो प्राइस थी गाइस वो करीबन 6,000-7,000 के रुपए, 6,000-7,000 रुपए इसकी प्राइस थी जब ये लॉन्च हुआ था। और वहाँ पर ये हमारा फ्रेडो का 10 इंच ड्यूल वॉइस कॉइल सब ऊपर है, उसकी प्राइस करीबन 2,500-2,700 के बीच फ्लक्चुएट होती रहती है। तो ये जो मेरा फ्रेडो का सब ऊपर ये मैंने 2,500 का नया परचेस किया हुआ है और जो हमारा ये पायोनियर का चैंपियन सीरीज सबवूफर है उसको मैंने 2,000 रुपये में परचेस किया हुआ है। क्या मैंने इस पे पैसे बर्बाद कर दिए या इस पे पैसे बर्बाद कर दिए, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए 2,500 रुपये देने के बाद मुझे इसमें क्या मिल रहा है। तो आपको एक शानदार सी क्वालिटी का, तो आपको एक सबवूफर और उसके साथ कंपनी की वन ईयर की वारंटी मिल जाती है। और वहीं पे इस पे 2,500 लगाने के बाद आपको क्या मिलता है, एक सबवूफर मिल जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो देखिए गाइस जो ये नया सबवूफर है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली से लाके आपको कनेक्शन करने और यूज़ करना शुरू कर देना है। लेकिन जब आप एक पुराना सबवूफर लेके आते हो, जैसे कि जब मैंने ये पुराना सबवूफर लिया था तो इसका जो ये पूरा हमारा रबर है वो बिल्कुल कलर छोड़ चुका था, यानी कि आपको जैसे अभी फोटो में दिखाई दे रहा है बिल्कुल उस तरह से हो गया था। तो सबसे पहले लाके मेरे को इसको साफ करना पड़ा, उसके बाद इसको थोड़ा बहुत पेंट करना पड़ा, उसके बाद इसकी जो फोम थी वो कहीं जगह से थोड़ी बहुत खुल चुकी थी तो उसको चिपकाना पड़ा।
तो बहुत ही बेसिक बेसिक से काम आपको करने पड़ेंगे, थोड़ी बहुत सफाई करनी पड़ेगी वहीं पर, इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब बेसिक सी बातें हैं, यानी कि एक पुराना सबवूफर लेने के बाद आपको 100-150 रुपये और लगाना पड़ेंगे और आपकी थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी। लेकिन इतना काम करने के बाद आपको जो क्वालिटी मिलेगी, जो इसकी साउंड परफॉर्मेंस मिलेगी, वो इंसेंस है। ये क्या, इसके जैसे दो सबवूफर भी इसकी आवाज़ को बीट नहीं कर पाएगा और इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए गाइस, मैं एक बार इसको पलट दे, आपके सामने पूरा गेम रिवील हो जाएगा। तो ये देख लीजिए गाइस, बिल्कुल आपके सामने है। तो ये हमारा पायोनियर का सबवूफर है, इसका मैग्नेट साइज देख लीजिए। ये हमारा फ्रेडो वगैरह का जो नॉर्मल सी ब्रांड आते हैं उसका, ये देख लीजिए। मैं दोनों के आपको क्वालिटी चेकआउट कराता हूँ एक एक बार। सबसे पहले हम हमारा ये नया सबवूफर देखते हैं जिसमें कि इस प्रकार का रबर आता है। फिलहाल इसके ऊपर का केप हट गया, लेकिन अगर ये केप इसका होता तो भाई साहब इसकी जो लुक है। और इसके देखिए कनेक्टर, आप इसके बाद मैं आपको इसके वायर दिखाता हूँ या टर्मिनल आप बोल लो। ये देखिए, इसका आप स्पाइडर भी देख लीजिए। अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ, ये देखिए इसके कनेक्टर, बाद में इसके टर्मिनल आप देखिए एक बार, ये देखिए गाइस। और साइड बाय साइड में इसको भी ला के दिखाता हूँ आप, आपको वीडियो में इतना पता नहीं लग पा रहा होगा, लेकिन गाइस जो इसके कनेक्टर है, ये वाले कनेक्टर से मतलब है मेरा जो ये टर्मिनल वायर है वो वाले, इसकी जितनी दो की मिला के साइज हो रही है उससे भी ठीक वायर इसका एक का है। मैग्नेट साइज चाहे आप देख लीजिए, चाहे आप ये देख लीजिए, और इसमें ये देखिए, आप इसका बीच का कौन देखिए और इसका देखिए, इसमें ये फॉर्म देखिए बहुत ही लो क्वालिटी का अगर लगेगा अगर आप इसको देखते हो तो। इसमें स्टिचिंग विचिंग करनी पड़ रही है, आप सोचोगे लुक के लिए होता है, ऐसा नहीं होता है गाइस, लुक के लिए भी होता है लेकिन ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी देने के लिए होता है। और इसकी क्वालिटी आप देखो, नो स्टिचिंग और कुछ नहीं, सिर्फ एक ग्लू से इसको लगाया हुआ है। लेकिन आप गारंटी के साथ ले लीजिए कि इसको अगर आप, ये 2 साल पुराना है या 2.5 साल पुराना है, इसको मैं और 3 साल भी चलाऊंगा फिर भी कभी भी इसका ये वाला कौन इधर से खुलेगा नहीं। तो अब दोनों के हम थोड़े पैरामीटर जान लेते हैं। जैसे कि हमारे ये सब ऊपर है गाइस, ये 4 ओम 4 ओम 4 ओम की ड्यूल वॉइस कॉल के साथ आता है, वहीं पे हमारा ये भी सब ऊपर 4 ओम्स और 4 ओम्स की ड्यूल वॉइस कॉल के साथ आता है। इसका जो RMS है गाइस वो 300 वाट RMS, ये प्योर 300 वाट RMS का सब ऊपर है हमारा। और इसमें अभी मैं आपको RMS दिखाऊंगा तो, और ये सिर्फ हमारा 200 वाट RMS का सब ऊपर है, ये देखिए। और इसमें भी मैं आपको 300 वाट दिखाता हूँ। 350 वाट नॉर्मल है, यानी कि ये 350 वाट का है और ये 225 वाट का है। जो गाइस जो सब ऊपर जितने ज़्यादा RMS का होगा उसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा तगड़ी होगी, अगर आपको सही RMS पता चल रहे हैं तो। हालांकि ये तो फिर भी थोड़ी सही ब्रांड है, वरना आप कोई और ब्रांड के सब ऊपर देखोगे तो उसमें RMS ही आपको 800 वाट RMS दिए जाते हैं। हालांकि वो सब ऊपर 100 वाट RMS को भी जेल बड़ी मुश्किल से जेल पाता है, लेकिन फिर भी लिखने के लिए लिख देते हैं लोग। और वहीं पे हम इसकी बात करें तो इसके एक भी पैरामीटर में भी आप 0.1% की भी भूल नहीं निकाल सकते, उतनी ये ट्रस्ट वर्दी ब्रांड है। अभी तो मैं आपको सिर्फ बातों से मना रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में जब आप इसकी दोनों, आप इन दोनों की परफॉर्मेंस साइड बाय साइड सुनोगे तो ही आपको पता लग पाएगा। शेर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए वो शेर ही रहता है।
इन शॉर्ट में आपको यही बोलना चाहता हूँ, आपको सही क्वालिटी का ब्रांडेड पुराना सबवूफर मिल रहा है तो आपको नया नॉन ब्रांडेड सबवूफर बिल्कुल ही अवॉइड करना है। आपको जो एक ब्रांडेड सबवूफर में साउंड एक्सपीरियंस का मजा आएगा, जो आपको साउंड की क्वालिटी मिलेगी, वो कभी एक नॉर्मल सबवूफर उसको बीट नहीं कर सकता है। पायोनियर का सबवूफर का साउंड सुनोगे एक बार बाद में ये फ्रेडो या और कोई एक्स वाई जेड कंपनी का साउंड सुनोगे आप, तभी इसका फर्क समझ पाओगे। तो हमारा ये डिसीजन तो फाइनल है गाइस कि हमें इतने बजट में कोई एक अगर ब्रांडेड सबवूफर मिल रहा है तो हम इसको नहीं लेंगे, हम एक ब्रांडेड सबवूफर की ओर ही जाएंगे, तो इसको हम फिलहाल सेट रखते हैं। अब मैं बताता हूँ गाइस कि आपको क्या क्या चीज़, अगर आप एक पुराना सबवूफर लेने जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ उसमें देखनी है, वरना जितने मैं इसके बेनिफिट बता सकता हूँ उतने ही आपके पैसे डूब जाएंगे अगर आपने कोई एक गलत चीज़ परचेस कर ली तो। सबसे पहले आप जा रहे हो तो जाहिर सी बात है इतना साफ सुथरा तो होगा नहीं कोई सबवूफर, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसका कौन कहीं से फटा हुआ ना हो, नॉर्मल कोई स्क्रैच या भी नॉर्मल इसके डॉट डॉट वगैरह हो गए तो वो आसानी से रिपेयर हो सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा फटा हुआ होगा तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और बेस की क्वालिटी भी बिगड़ जाएगी। आप जिस भी पार्टी से परचेस कर रहे हो उसको बोलना है कि आपको उसकी साउंड क्वालिटी सुनाए, साउंड क्वालिटी सुनोगे तो आपको जाहिर सी बात है पता लग ही जाएगा। अगर बाई चांस ऐसी सिचुएशन आती है कि आप साउंड क्वालिटी सुन नहीं पाते हैं उस वक्त, तो आपको क्या करना है, एक छोटी सी बैटरी लेके जानी है, बाद में उसके जो टर्मिनल है गाइस उस पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव टच करके बार बार चेक करना है, तब इसकी ये थंपिंग होगी। अगर आपको ज़रा सा भी कट कट का साउंड आ रहा है तो उसको अवॉइड कर देना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो इसका स्पाइडर है उसकी जो ग्लू है वो बिल्कुल ही ओरिजिनल होनी चाहिए, कहीं पर भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये सबवूफर खुला हुआ है तो उसको बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए, उसको परचेस नहीं करना है आपको। दूसरी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा मान्य रखती है, आपको सबवूफर पलटना है। आप कोई ब्रांडेड सबवूफर लोगे तो वो सिंगल मैग्नेट का होने वाला है ही नहीं, वो ड्यूल मैग्नेट ही होगा, तो आपको देखना है कि जो ये दोनों मैग्नेट है उसके बीच बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए, और इसकी जो जो इस प्रकार के मानिए स्टिक है तो आपको ऐसे रखनी है, तो बिल्कुल ही ये एक लेवल में होने चाहिए। अगर बाई चांस एक मैग्नेट थोड़ा बाहर निकला हुआ होगा या एक अंदर होगा तो आपकी वॉइस कॉइल फट जाएगी और आपका सबवूफर का खेल वहीं पे ख़त्म हो गया। उसके बाद आपको जो एक और चीज़ देखनी है कि आपके सबवूफर को ऐसे रखना है और दो इस प्रकार से पकड़ के इसको ऐसा करना है अंदर की ओर पूरा का पूरा, और उसको ऐसे बाहर की ओर करना है। आपको देखना है कोई भी साउंड नहीं आनी चाहिए, देखिए मैं कर रहा हूँ, अगर साउंड आ रही है डेट मीन्स सबवूफर बिगड़ने की नौबत पे आ चुका है। तो ये कुछ बातें जो कि अक्सर ध्यान रखी जाती है सबवूफर, एक पुराना सबवूफर परचेस करते वक्त। अब एक पुराने सबवूफर की सही प्राइस क्या होती है उसका मैं आइडिया आपको थोड़ा दे देता हूँ। जितना मेरा अनुमान है या जितना मेरे को लगता है पुराने सबवूफर में लोग किन कंपनी के ज़्यादा लेते, तो जो सोनी में हो गया तो हमारा सोनी के दो ही मॉडल लोग ज़्यादा लेते हैं और दो ही आते भी है। एक हमारा 12 इंच का सोनी हो गया, आपको फोटो में अभी दिखा रहा हूँ साइड बाय साइड, जो ये इसकी बॉर्डर है वो सिल्वर कलर की है और 1000 वॉट लिखा हुआ है। दूसरा जो लेटेस्ट है वो वाला हमारा एक्सप्लोर 1800 वॉट वाला, ये दोनों सबवूफर हो गए। तो जो हमारा पुराना वाला सबवूफर है गाइस उसकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहे कितनी भी सही कंडीशन में सबवूफर क्यों ना हो तो आपको आपको उसको 1500 से लेके 1700 रुपये देने हैं। मैं सिर्फ सबवूफर की बात कर रहा हूँ, अगर उसका इनक्लोज़र है तो अलग बात है, तो उसका इनक्लोज़र है तो जाहिर सी बात है उतने पैसों में आपको कोई भी नहीं देगा। अगर मैं जितने भी अप्रोक्स प्राइस बता रहा हूँ सिर्फ सबवूफर के बता रहा हूँ गाइस, सिर्फ और सिर्फ सबवूफर के। अगर आप जो सबवूफर ले रहे हो वो वारंटी में नहीं है, सबवूफर की प्राइस 1800 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं JBL।
तो JBL में जो पुराने मॉडल के सब ऊपर आते थे, जो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, वो सब ऊपर आपको मिल रहा है। तो इसके जितना ही वो सब ऊपर प्रीमियम है, तो उसके आप 2000 रुपये तक भी दे सकते हो, 2200 तक। उसके बाद जो हमारे नए सीरीज आ रही है JBL की, उसमें जितने ओरिजिनल आ रहे हैं उससे ज़्यादा डुप्लीकेट आ रहे हैं, तो आपको उसकी सही पहचान करनी है। सही पहचान हो जाने के बाद अगर कंडीशन सही रही तो उसके भी आप 2000 रुपये तक दे सकते हो। बाद में गाइज ये आ जाते हैं हमारे चैम्पियन। यकीन मानिए गाइज, मैंने सोनी के सब ऊपर ट्राई किए हुए, JBL के किए हुए, पायोनियर के किए हुए, और भी कई अदर ब्रांड के किए हुए, लेकिन सब ऊपर का जो एक्सपीरियंस पायोनियर में हो रहा है वो किसी और सब ऊपर में नहीं है। तो अगर आपको पायोनियर, सोनी, JBL इन तीनों ही सब ऊपर मिल रहे हैं, तो आपको पायोनियर ही परचेस करना है। आपको सोनी या JBL को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि जो एक परफॉर्मेंस पायोनियर का सब ऊपर आपको देगा वो कोई भी अदर सब ऊपर नहीं दे पाएगा। बात करते हैं गाइस आपको ये पायोनियर का, सबसे जो बेस्ट क्वालिटी वाला पायोनियर का मैंने ट्राई किया हुआ जो सब ऊपर है वो ये है, चैम्पियन सीरीज 10 इंच ड्यूल वॉइस कॉइल सब ऊपर। अगर ये आपको कंडीशन में मिल रहा है गाइस, तो इसके आप 3000 रुपये तक भी दे सकते हो, उसमें कोई भी खराबी नहीं है, उसमें कोई भी आपका नुकसान नहीं हो रहा है। तो यही था गाइस आज का वीडियो। आई होप आपको पता लग चुका होगा कि कौन सा सब ऊपर परचेस करना सही होता है, और किस प्रकार से अगर आप एक पुराना सब ऊपर लेते हो तो आपको ध्यान देना है किन सारी बातों का।